नमस्कार दोस्तों, भास्कर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टैली में पेमेंट के बारे में, यानी किसी भी वाउचर की एंट्री जो करते हैं, यानी पेमेंट किस प्रकार के करना होता है, पेमेंट करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। ये टैली हमारा ओपन हो चुका है। अब इसे मैं सबसे पहले क्रिएट कंपनी करते हैं। यहाँ पर आकर के क्रिएट कंपनी करेंगे और यहाँ पर मैं आकर के कंपनी बना लेता हूँ। जैसे मैंने BCI कंप्यूटर के नाम से बना लिया, BCI कंप्यूटर। एड्रेस हमारा है यहाँ पर गोला बाजार। यहाँ पर आकर के हमने कंट्री चुन लिया इंडिया और स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, ये UP हमने, और पिन कोड हमारा 2734-08। इस तरह से मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये सब हम फिल करते चल रहे हैं। ये मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, यहाँ पर फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब डालना है तो डाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। 31/3/2024 हमारा जो है बिगनिंग फ्रॉम है, और यहाँ पर बिगनिंग फ्रॉम कब से कब तक है, और ये हमारा इंड डेट जो है 31/3/2024 है, और एंटर करके इसे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फो में जाना है और लेजर बनाना है। इस तरह से आप यानी क्या क्या खर्च बर्न करना चाहते हैं, जो भी खर्चा करते हैं उस खर्चे को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको लेजर तैयार करना होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, सबसे पहले किसके माध्यम से पेमेंट करना है वो पेमेंट को मैं दर्शाना चाहता हूँ। मैंने एक बैंक का नाम बनाया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसे हम रखेंगे बैंक अकाउंट में, और यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर लेना है। मैं इसे फिल नहीं करता हूँ, मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ से अमाउंट मैं दिखा देता हूँ। मैं 50,000 अमाउंट दिखा देता हूँ, ये मैंने उसमें SBI में रख दिया। इसके बाद मुझे रूम रेंट देना है, रूम रेंट, और रूम रेंट हमारा जो होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने कर दिया यहाँ पर अंडर में, और इसे इंटर मार करके इसे एक्सेप्ट करा देना है। इसी तरह से वेजेज हो जाता है, और वेजेज जो हम देते हैं डायरेक्ट रूप से देते हैं, यानी कि हमारा जो भाड़ा लग रहा है वेजेज वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट रूप से एक्सपेंस कर दिया। इसके बाद से और भी, जैसे हमने कहा कि एडवर्टाइजमेंट करवाना है, एडवर्टाइजमेंट को हमने दिखाया इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से और भी खर्चे को अगर दिखाना चाहते हैं तो और भी खर्चे आप दिखा सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ पर आकर के हमने एंट्री प्रेस कर देना है। आपको इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमको यार चुनना पड़ेगा, यानी बैंक के द्वारा हम पेमेंट करना चाहते हैं अथवा कैश पेमेंट करना चाहते हैं। अगर कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश पे एंटर करेंगे, या अगर बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक चुनेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करना है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना पेमेंट करना है मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर मैंने 5,000 दिखा दिया। और इसके बाद दूसरी एंट्री हमारी हो रही है रूम रेंट के लिए, रूम रेंट हमने दिखा दिया यहाँ पर 4,000, और यहाँ पर आकर के हमने एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ से आप चेक से दे रहे हैं अथवा आप जो है ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम चेक दे रहे हैं तो चेक से इस तरह दे सकते हैं। टोटल हमारा 9,000 रुपीज दिया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आ करके इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिखना चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ एक्सेप्ट कराने के बाद हम अगर देखना चाहते हैं इस एंट्री को तो दोबारा हम यहाँ से देख सकते हैं। देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है,
और इसके बाद से आपको डे बुक में जाकर के एंट्री को यहाँ पर देख सकते हैं। ये एंट्री आपको दिखा रहा है, ये तो अभी ये सिंगल मोड में पेमेंट हमने किया था। यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं इस तरह से पेमेंट DR और CR के रूप में, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको F12 में प्रेस करना होगा और यहाँ पर दिया गया है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर, इसे मुझे नो कर देना है। हम नो करके इसे एंटर मार कर एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे ही इसे एक्सेप्ट कराएंगे आपके सामने DR और CR के रूप में आ चुका है। अब इस कंडीशन में आप जो दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं DR में पहले चुन लेता हूँ। जैसे मुझे वेजेस के रूप में देना है तो मैं वेजेस चुन लेता हूँ। अब कितना वेजेस लग रहा है, कितना बार भाड़ा लग रहा है, हमने कहा कि 1000 रुपीज हमको याद दिया। और CR में कैश से पेमेंट करना है अथवा फिर बैंक से ही पेमेंट करना है, मेरे पास मैं बैंक चुन लेता हूँ। यहाँ पर 1000 और यहाँ से चेक देना चाहते हैं तो चेक दीजिए चेक के रूप में और इंटर मार के यहाँ पर एक्सेप्ट करा दीजिए। और दोबारा इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो दोबारा डिस्प्ले करके यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से अकाउंट बुक में चले जाइए, कैश वाली बैंक बुक में चले जाइए और यहाँ पर आ करके SBI पर कर दीजिए। यहाँ पर जो भी एंट्री किए रहेंगे वो एंट्री आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। आप देख सकते हैं कि एंट्री को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।